खाने में स्पेशल जो है वो भी है और फैजल है, और गाना जो है मैंने लॉकडाउन में लिखा था, तो ऐसा सोचा नहीं था कि हम वैलेंटाइन में रिलीज़ करेंगे इसको, और इतना जल्दी सब कुछ हुआ है। तो गाना बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि इसको मैंने कंपोज भी किया है, लिखा भी है, गाया भी है, काफ़ी कुछ है इस गाने में। और आज काफ़ी मुझे रिव्यूज़ भी अच्छे आए, गाना आपका बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इजी था तीनों चीज़ें साथ में करना, लिखना, गाना कंपोज करना, वो भी लॉकडाउन में। लॉकडाउन में मैंने 5 गाने लिखे हैं, एक सातों जन्म भी अभी मेरा आया था कुछ दिन पहले, वो भी मैंने लिखा है, वो भी कंपोज किया है मैंने, भी मैंने। तो ईजी तो नहीं है, बट लिखते लिखते कभी थाट्स आ जाते हैं, सो मैं लिख लेता हूँ। बहुत ज़्यादा ही जस्टिस किया है, और इसको जो डायरेक्ट किया है नदीम एंड नितिन ने बखूबी, उनका भी ये सेकेंड म्यूजिक वीडियो है हमारे साथ, और उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा निभाया है, और काफ़ी आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी उन्होंने। गाना एक्चुअली अब 3-4 दिन पहले मैं थोड़ी तबियत सही नहीं थी, एंड कल चंडीगढ़ में मेरा शूट भी था, थोड़ी सा आवाज़ में बैठी हुई है। सासे हैं जब तक तुझसे मोहब्बत करता रहूं, दे इजाजत जिस्म से मेरे रूहे जुदा तक तेरा रहूं, दे इजाजत। तेरी नजर अदाएं तेरी तुझसे खिली, वफा मेरी तू जो मिला लगा मुझे, रब ने सुनी दुआएं मेरी, पाया तुझे तो सब मिला, अब चाहिए क्या मुझे। सांसे हैं जब तक तुझसे मोहब्बत करता रहूं, दे लाइव। देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बेसिकली आई एम फ्रॉम, मैं जिस जगह से हूँ, और आजकल एक नए टैलेंट पे उनका भरोसा करना, और मेरे जैसे ऐसे कई सारे टैलेंट्स हैं बी लाइव म्यूजिक में जो वन बाय वन आपको देखने को मिलेंगे। सो बी लाइव की एक खास चीज़ बहुत अच्छी है कि जो नए लोगों पे टैलेंट पे वो भरोसा कर रहे हैं एंड वो बिलीव कर रहे हैं, और आज की इंडस्ट्री आपको भी पता है म्यूजिक की कैसी चल रही है, कैसी थी और क्या है। सो बेसिकली हम चाहते हैं कि जो बॉलीवुड था और जो प्यार है वो बरकरार रहे, खूबसूरत गाने आते रहे, बस यही हमारी सोच है, मीनिंगफुल सॉन्ग्स। नेक्स्ट गाना एक्चुअली हमें बहुत सारे गाने शूट करके रखे हैं, बट अभी क्या हुआ कि लॉकडाउन चल रहा था और काफ़ी सारी वेडिंग्स जो है रुकी हुई थी, तो हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है कि हम एक वेडिंग सॉन्ग जो है प्रॉपर वेडिंग सॉन्ग हम उसको लाएंगे, और अभी उसका ही वर्क चालू है, कल चंडीगढ़ में उसका ही शूट कर। जी जी, और इस बार आवेज है हमारे साथ, क्योंकि ये जो गाना है बहुत मस्ती वाला है। तो ये सॉन्ग जो है काफ़ी मस्ती वाला है, फुल है, तो इसमें काफ़ी डांस चाहिए था, और आवेज बहुत अच्छे डांसर हैं, कोरियोग्राफर भी, तो बहुत मज़ा है उनके साथ काम करके। इसमें भी मैं एज अ सिंगर देखूँगा आपने। गाने का रिलीज़ बेसिकली हमने 11 तारीख को सोचा था, और अभी कुछ आगे पीछे हो सकता है, बट आप लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आप हमसे जुड़ के रहिए, थोड़ा आगे पीछे हो गया, जहाँ जब भी रहेगा हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। बी लाइव मीडिया के बीच थैंक यू।